हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्मिलाज वेज वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल, यूपी की फेमस मटर के निमोने की रेसिपी। इस समय ठंडी के मौसम में हरे ताज़े मटर मिल रहे हैं। ये सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। तो आइए हम बनाते हैं। मटर का निमोना बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मटर लिया है। देखिए, एकदम हरा मटर है, हमने इसे धुल लिया है। 4-5 आलू लिया है, आलू छोटे थे इसलिए हमने इस तरह आधे पे काटा है आलू को छील के। एक प्याज बड़ा काटा है, टमाटर भी छोटे वाले हैं इसलिए हमने 5 टमाटर काट लिया है इस तरह। थोड़ा हमने हरा धनिया लिया है, 1 इंच अदरक लिया है, 2 पेड़ हरा लहसुन हमने लिया है इस तरह। इसके नीचे का भाग है ये सफ़ेद वाला, ये इसकी पत्ती का भाग है। आजकल हरा लहसुन मिल रहा है तो निमोना में हरे लहसुन का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। अगर हरा लहसुन नहीं है तो आप सूखा लहसुन पीस के डाल सकते हैं। 2 हरा मिर्च लिया है, इसको भी हम पेस्ट बना लेंगे। 1 बाउल मटर को हमने खड़ा रखा है और 2 बाउल मटर हम पीस लेंगे। मिक्सर जार में हम मटर को डालेंगे, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। मटर को हमने इस तरह पीस लिया है, देखिए, अधिक ना बारीक किया है ना अधिक मोटा है। पीसे हुए मटर को हम बाउल में निकाल लेते हैं। इसी जार में हमने मटर पीसा है, अब इसमें हम निमोने का मसाला तैयार करेंगे। हमें जार में अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरा लहसुन डालेंगे, हरी धनिया को भी हम पीस लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे हम जार में। देखिए, हमने लहसुन अदरक मिर्चा धनिया को भी पीस लिया है, अधिक मोटा ना अधिक पतला है। कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। पहले हम इसमें आलू को डाल के भून लेंगे। हमने आलू को सेलो फ्राई कर लिया, देखिए आलू एकदम फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। आलू को हम निकाल लेते हैं। हमने इसी कढ़ाई में आलू फ्राई किया है, 1 चम्मच तेल और हम डालेंगे, 1 चम्मच तेल बचा हुआ है। अब इसमें हम पिसे हुए मटर को डाल के भूनेंगे। आप मटर को मसाले के साथ भी भून सकते हैं, लेकिन निमोने का कलर जो है एकदम ग्रीन अच्छा लगता है इसलिए मटर को हम पहले ही भून लेंगे। मटर मसाले के साथ भूनेंगे तो मटर का कलर डिसकलर हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग से भूनेंगे। मटर को हम स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। मटर को हम अधिक नहीं भूनेंगे, मटर को भी हमने हाफ कुक कर लिया है, इसे हम भून लिए हैं। अब निकालते हैं मटर को, देखिए कितना अच्छा मटर का कलर आया है। इसी कढ़ाई में हम 4 चम्मच तेल डालेंगे, 1 इलायची डालेंगे, 1 इंच का दालचीनी डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे। देखिए प्याज हल्का गोल्डन हो गया है, अब इसमें हम हल्का हल्दी डालेंगे क्योंकि हमको ग्रीन कलर निमोना का रखना है, इसलिए हल्का हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम टमाटर को डाल के भूनेंगे। एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे।
अब इसमें हम पिसे हुए हरी धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्ची को डालेंगे। मसाले को हम हल्का भून लिए हैं। हमने जो हरा मटर निकाल के रखा था इसको भी इसमें डालेंगे। इसी के साथ हम फ्राई आलू को भी डाल देंगे। मसाला जो है आलू में एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमने इसमें ग्रीन मसाला अधिक डाला है पीस के, इससे निमोने का कलर हरा हरा काफ़ी अच्छा आएगा। देखिए आलू, टमाटर और मसाले सब अच्छी तरह भून गए हैं। अब इसमें हम भुने हुए हरे मटर को भी ऐड करेंगे। मटर को हमने पहले से ही हाफ भून लिया है। एक छोटा चम्मच अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। निमोने का कलर जब हरा रहता है हल्का, तभी अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी अच्छा लगता है। ठंडी के मौसम में सभी लोग निमोना बनाते हैं, इस समय हरे मटर का सीजन है। मसाले के साथ आलू और मटर सब भून गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। आपको कितना थिक और कितना पतला निमोना खाना है उस हिसाब से आप पानी इसमें डालिएगा। फ्रेंड्स, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, पिसे हुए मटर की रेसिपी को? हमारे यहाँ तो इसे निमोना बोलते हैं। कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी पानी हम और डालेंगे क्योंकि निमोना अभी गाढ़ा है अधिक। निमोना को हम कवर करके पकाएंगे। हमने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है। निमोना को हम चेक करते हैं। देखिए आलू एकदम गल गया है, मटर थोड़ा बाकी है, आलू गल गया है। 2 मिनट निमोना को हम और पकाएंगे। निमोना को हम फिर से चेक करते हैं। देखिए निमोना अब अच्छी तरह से हो गया है, तेल एकदम निमोने से अलग हो गया है। हमने थोड़ा हरा लहसुन का पत्ती और हरी धनिया काट के लिया है, इसको भी इसमें डालेंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे। निमोने में मटर भी एकदम अच्छी तरह गल गया है। देखिए निमोना को बाउल में सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमारा हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस आलू मटर निमोना बनके तैयार हो गया है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए। कमेंट करके बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। निमोने को बाउल में सर्व कर लिया है। ऊपर से अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। हमने प्याज फ्राई करते समय थोड़ा प्याज निकाल के रखा था, इससे भी हम निमोने को गार्निश करेंगे। देखिए हमने निमोना को प्याज, हरी धनिया और हरे मिर्च से गार्निश कर दिया।